અને હવે નજર કરીએ ગુજરાતના ટોપ 9 ન્યૂઝ પર। રાજ્યમાં આજે ગરમીમાં આંશિક રાહત મળી છે। અમદાવાદમાં ગત રોજની સરખામણીમાં 2 ડિગ્રી તાપમાન ઘટ્યું। અમદાવાદમાં 43.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। પવનની દિશા બદલાતા ગરમીનું પ્રમાણ ઘટવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી। एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट ने लगती जोगवाई मुद्दे गुजरात हाईकोर्टे महत्वनो चुकादो आप्यो। कोर्टे कह्यु कि सौराष्ट्र में डुंगराळ विस्तार में आवेली जमीन एग्रीकल्चर एंड सीलिंग एक्ट हेठळ खालसा थई शके। एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट की जोगवाईओ बीड़नी जमीनों पर लागू पाड़ी शकाय नहीं एवी अरजदारों की रजूआत हाईकोर्टे नकारी दीधी छे। जीपीएससी नवा चेरमेन की नियुक्ति करवामां आवी। हवे जीपीएससी नवा चेरमेन नलीन उपाध्याय बन्या। दिनेश दासा निवृत्त थया बाद हवे नलीन उपाध्याय ने चार्ज सौंपायो छे। अत्यार सुधी नलीन उपाध्याय जीपीएससी ना सभ्य हता। गांधीनगर लोकल क्राइम ब्रांचे आवी ज एक आंतरराज्य गैंगनो पर्दाफाश कर्यो। गैंगने गाजियाबादथी ऑपरेट करता मास्टरमाइंडनी पोलीसे धरपकड़ करी। जे श्रमिक वर्गने टार्गेट करी तेमनी साथे छेतरपिंडी आचरतो हतो। जे मूळ बिहारनो छे परंतु गाजियाबाद अने नोएडाथी ज पोतानी गैंगने ऑपरेट करतो तेणे पोताना गुनानी पण कबूलात करी। सुरेन्द्रनगरमां आंगणवाड़ी कार्यकर अने तेड़ागर बहनों की भर्ती प्रक्रिया में होबाड़ो थयो। जिला पंचायत कचेरी खाते महिला उम्मीदवारों होबाड़ो मचाव्यो। अगाउ रिजेक्ट थयेला अंदाजे 120 उम्मीदवारों फरी इंटरव्यू माटे बोलावता उम्मीदवारों विरोध कर्यो हतो। गुजरात विधानसभा की चूंटणी पहला भाजपा भर्ती मेळो यथावत छे। राज्यभरमांथी अध्यापकों भाजपा जोड़ाया। कमलम खाते भाजप प्रदेश प्रमुख सीआ पाटिल सहित होद्देदारों अध्यापकों ने केसरियो पहेरावी भाजपा में स्वागत कर्यो। सुरेन्द्रनगर लींबड़ी पंथक में पानी माटे बुमराड़ उठी छे। नानी कठेची सहित आसपास गामों में पीवाना पानी माटे वलखा मारवा पड़े छे। टैंकरों माथी पानी लेवा माटे लोकोने पड़ापड़ी करवी पड़े छे। आ दृश्य जोईने तमने ख्याल आवी गयो हशे कि अहीं पानीनी केटली विकट समस्या छे। आ दृश्य जवाबदारों अने चूंटायेला नेताओंनी कामगीरीनी पोल खोली रह्या छे। મહેસાણામાં દૂધસાગર ડેરીએ પશુપાલકોને દૂધના ફેટના ભાવમાં વધારો આપ્યો છે। દૂધના પશુપાલકોને ચૂકવાતા ભાવમાં પ્રતિ કિલો ફેટ પર 10 રૂપિયાનો વધારો આપ્યો। હવે પશુપાલકોને પ્રતિ કિલો ફેટના 710 રૂપિયા ભાવ ચૂકવાશે। છેલ્લા એક વર્ષમાં ડેરી તબક્કાવાર રૂપિયા 60નો વધારો કર્યો। કચ્છના અંજારમાં 3 યુવકને માર મારવાની ઘટનામાં અનુસૂચિત જાતિ સમાજે ઉગ્ર વિરોધ દર્શાવ્યો। લોકોએ મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરવાની માંગ સાથે ભુજ તરફ પ્રયાણ કર્યું હતું। ઘટના સાપેડા ગામની છે કે જ્યાં 2 મેએ અનુસૂચિત જાતિના યુવાનોને માર મારવામાં આવ્યો હોવાની પોલીસ ફરિયાદ અંજાર મથકે નોંધાઈ હતી।